रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई का जन्मोत्सव कस्बे के मोहल्ला कटरा मेनपुर में पूर्व सभासद कमला देवी के आवास पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीरांगना झलकारी बाई के चित्र पर माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्वलित करके किया गया। रविवार दोपहर कटरा मेनपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कोरी समाज परिवर्तन जागृत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अपना दल एस के नेता बेंचे लाल कोरी ने वीरांगना झलकारी बाई की 190वें जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा है कि कोरी समाज में जन्म लेने वाली वीरांगना झलकारी बाई देश के दुश्मनों से लड़ती हुई अपनी जान दे बैठी थी। वीरांगना केवल कोरी समाज की ही नहीं बल्कि सर्व समाज की हितैषी थी। आज़ादी के 73 साल बाद भी शूद्रों को 4 प्रकार की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व मानसिक रूप से गुलामी में जीने को मजबूर किया जा रहा था, जिसे दिनों दिन शूद्र समाज की दशा खराब होती जा रही है। कहा कि अपने बच्चों को संस्कार देकर शिक्षित करें ताकि वह आगे बढ़कर अपने हालातों को बदल सके। कार्यक्रम के दौरान अफजल अंसारी प्रवक्ता सलीम खान अतीक कुरैशी सालीग्राम रमेश चंद्र कठरिया किरण लाल सुभी डॉक्टर शिवाजी ने भी वीरांगना झलकारी बाई के जीवन पर रोशनी डालते हुए अपने विचार रखे। बाद में सभी को मिष्ठान वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र कमल अनुपम शर्मा पूजा देवी आरती देवी सुषमा देवी रानी देवी लक्ष्मी देवी कैलाश बाबू गफ्फार खान अजय राठौर चंद्रभान चरण सिंह ओम जी जयराम कोरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिला रिपोर्टर अखिलेश कुमार पाल के साथ विमल कुमार पांडे की खास खबर। भीतर घुस जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ लड़ी और लड़ने के बाद अंतोगत्वा वीरगति को प्राप्त। यू होरोज अंग्रेजी हुकूमत का शासक था, उसने कहा कि यद भारत की 100 नारियां झलकारी बाई जैसी अगर पागल हो जाएं तो हम लोगों को तत्काल देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। ऐसी वो झलकारी थी। तो वीरांगना झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई में चेहरे का कोई अंतर नहीं। आज ऐसी झलकारी बाई जिसने 30 साल केवल जिंदा रही हो, 30 साल की उम्र में ऐसा जौहर दिखाया, ऐसा कर्तव्य दिखाया, उन्हीं को आज हम याद करते हैं। और हम खास तौर से अपने लोगों से ये कहते हैं कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलावा कोई हिंदू नहीं। और अगर हम जा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करें, और जैसे भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं बौद्ध की नगरी से आए हैं, बौद्ध की धरती से आए हैं, बौद्ध के देश के रहने वाले हैं, महात्मा बौद्ध कुल वंश के थे, महाराजा अंजन के नाम थे, तो तब कहेंगे ये। और यहाँ पर अगर कोई बाती है तो मेरे में एक वीडियो पड़ा है, वहाँ पर 1000 आदमी कहते हैं हरचन एक्ट मुर्दाबाद, हरचन एक्ट मुर्दाबाद, दलित एक्ट मुर्दाबाद, समझे। तो अब ये कहते हैं, हम कहते हैं हमें धर्म परिवर्तन कर लेने दो, तुम पर